दोस्तों, जैसा कि सभी ग्रुप्स के आरपीएफ एंसिलरी के पीटी और पीएमटी के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में पीटी और पीएमटी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि क्या उनका कम मार्क्स पर जो सीबीटी हुआ था उसमें कम मार्क्स स्कोर हुए थे उसके हिसाब से क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, और ट्रेड टेस्ट में नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, और ये तीसरा क्वेश्चन कि आखिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोगों को। लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल सके आखिर कैसे कैसे इसमें नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं, जैसे कि जिन लोगों के मार्क्स 20 आए हैं या फिर 21 आए हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, जो सीबीटी हुआ था इसमें 60 मार्क्स का पूरा 60 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो बाकी होगा ट्रेड टेस्ट होगा वो 40 मार्क्स का होगा। तो अब जिन लोगों को 20, 21, 23 इस तरह से मार्क्स मिले हुए हैं उन लोगों का हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जिन लोगों ने सीबीटी में ज़्यादा अच्छा किया है। मान लिया 60 में से अगर किसी ने 40 मार्क्स स्कोर किया है सीबीटी में, और जिन लोगों का 40 प्लस है उन लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं कि अगर उन लोगों को मान लिया 40 मार्क्स इन्होंने इसमें सीबीटी में स्कोर किया है, और जब ट्रेड टेस्ट में वो जाते हैं तो ट्रेड टेस्ट में मान लिया वो 40 में से अब मान लिया 30 ही अगर स्कोर करते हैं, फिर 25 ही स्कोर करते हैं, तब भी उनका हो जाएगा 70 या फिर 75 के आसपास आराम से हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बंदे का जो सीबीटी में कम मार्क्स स्कोर करके आया था, इसका चांसेस कम हो जाते हैं। एक ही कंडीशन में इसका सिलेक्शन हो पाएगा यदि वो सीबीटी में जो 20 मार्क्स स्कोर किया था उसके साथ साथ अगर ट्रेड टेस्ट में वो 40 में से अगर कहीं ना कहीं वो 35 नंबर स्कोर करता है, तब थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दूसरा बता दूं कि जो इसका सेकंड फेज अभी स्टार्ट होने वाला ही है, जो कि है फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं मालूम मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 800 मीटर की सभी ग्रुप की रेस होने वाली है। 3:40 आप लोगों को दिए जाएंगे, और जो लॉन्ग जंप होगी वो होगी 9 फीट की, और जो हाई जंप है वो 3 फीट की आप लोगों को करनी होगी। तो ये हो गया इसमें का पीटी और पीएमटी का। अब बात आती है कि आखिर जो ट्रेड टेस्ट है उसमें नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि मेन बात यहीं पर आ जाती है, जिन लोगों के मार्क्स कम आए हुए हैं उन लोगों का सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। ट्रेड टेस्ट ही एक ऐसा जरिया है जिसमें कि अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ट्रेड टेस्ट में, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है कुल मिला के 40 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें से अगर आप लोग 40 में से कहीं ना कहीं 30 अगर आप लोग स्कोर कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर माना जाएगा, और वहाँ पे आपके सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 40 मार्क्स में से आपको यहाँ पर दिए जाएंगे ट्रेड टेस्ट में। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सीबीटी में जो आपने स्कोर किया था वो काउंट किया जाएगा, प्लस जो आपका ट्रेड टेस्ट में स्कोर होगा, इन दोनों को काउंट करके ही आपका बनाया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरह से बनेगी। तो आप लोगों को अगर जो कम मार्क्स आए हैं सीबीटी में, तो आपको ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं दोस्तों यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।